नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एच एस और ओ लेटर की हेल्प से हाउस का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको एस लेटर लिखना होगा, इधर एच लेटर हो जाएगा, ऊपर के साइड में आसानी से आप एक ओ लेटर लिख दीजिएगा। ओ लेटर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। इधर से आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन आपको इधर भी ऐसे बढ़ाना होगा। इधर से हम यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए मिला दीजिएगा। बीच में आपको एक प्लस सिंबल बनाना होगा। प्लस सिंबल बनाने के बाद इस एच लेटर को थोड़ा सा हम और ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इधर से भी आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा। इधर एक छोटा सा पॉइंट लगाइएगा, पॉइंट को लगाते हुए यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इधर ऐसे मिलाइए। सेम आप यहाँ पर भी आसानी से मिला दीजिएगा। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे के सिरे से देखिएगा, पर नीचे नहीं, आपको ऊपर आना होगा। पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए आगे की तरफ आप ऐसे बढ़ाते जाइएगा। ऊपर से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, फिर गाइज आपको एक तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा, इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको बीच से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, बहुत ही आसान है। इधर ऐसे बढ़ाइए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। फिर गाइज आपको इस एस लेटर को टच करते हुए, यहाँ से टच करते हुए आगे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन आप बढ़ा दीजिएगा। इस एस लेटर को टच करते हुए एक बड़ा सा आप यू लेटर लिखेंगे, उल्टा यू लेटर लिखना होगा। इधर से अंदर की तरफ करिए, यहाँ से भी आप ऐसे बाहर की तरफ बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों, आपको छोटे छोटे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करिएगा। और गाइज, आपसे हमारा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको हमें ये कमेंट करके बताना है हमने यहाँ पर कितनी छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ किया हुआ है। आप हमें काउंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से मिलाइए, यहाँ पर इसको हम डबल करेंगे। डबल हो जाने के बाद आपको नीचे के साइड में भी एक विंडो बनाना होगा। इधर मिलाइए, ये करिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको डबल करिए। यहाँ से बढ़ाइएगा, नीचे की तरफ मिला दीजिए। एक विंडो आप इधर भी ऐसे बना देंगे, इधर से बढ़ाते हुए नीचे की तरफ मिलाइए। आसानी से आप डबल कर देंगे तो आपका विंडो बहुत ही क्लियर दिखने लगेगा। बीच में आप एक प्लस सिंबल भी बना दीजिएगा। इधर से भी आप ऐसे आसानी से प्लस सिंबल को बनाएंगे। प्लस सिंबल बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, ऊपर के साइड में दोस्तों एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इधर ऐसे मिलाएंगे, ऊपर वाला सिरा भी डबल कर दीजिए। अब आप स्केल का यूज करते हुए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इधर से भी हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आसानी से इस हाउस को हम कलर भी करना सीख लेते हैं।